गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से नए वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो आज हम लोग क्लास फोर में सब्जेक्ट एसएसटी लेसन टू पढ़ेंगे, जिस चैप्टर लेसन का नाम है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। इससे पहले जो आप लोगों को वीडियो भेजा गया था, उसमें हम लोग भारत के जो फिजिकल फीचर थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। तो यह नॉर्दर्न माउंटेन जो है उसी का है पहला फीचर, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जो भी नए हैं या देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिए हमेशा, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और एक दो मिनट देख करके बंद करके रख देते हैं। जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो भी पढ़ाई होती है, जैसे एसएसटी सब्जेक्ट है तो इसमें वर्ड मीनिंग भेजा जाता है आप लोगों को, उसको एक नोटबुक पर उतार करके लिख लेना है। और जो भी क्वेश्चन आंसर भेजा जाता है उसको भी एक पेयर का नोटबुक बनाना है, उसमें लिखना है, ताकि भविष्य में आप लोगों को दिक्कत नहीं हो प्रश्न उत्तर याद करने में, क्वेश्चन आंसर याद करने में। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक दो मिनट देखते हैं बंद कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिए तभी कुछ समझ पाइएगा। तो चलते हैं हम लोग आज अपने सब्जेक्ट एसएसटी में लेसन टू नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो नॉर्दर्न माउंटेन होता है भारत का उत्तरी पर्वतमाला, भारत के जो उत्तर में जो पर्वतमाला है उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना। आप सभी जानते हैं जब हम बाउंड्रीज ऑफ इंडिया बता रहे थे तो उसमें उत्तर में बताए थे एक पहाड़ है बहुत विशाल जो बहुत दूर तक फैला हुआ, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ना है, नॉर्दर्न माउंटेन्स। द नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन स्ट्रेचेज फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ। आपका जो उत्तर का पर्वत श्रेणी है वह क्षेत्र जो है फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के उत्तर में जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। और इस पर्वत श्रेणी का नाम है हिमालय, तो हिमालय जो आप लोग जानते हैं पहले से ही। और इसी में हम लोग पहले से जानते हैं कि हिमालय जो है हमारे देश के विकास में कितना बड़ा सहायक होता है। हम लोग जिस देश में रहते हैं भारत देश में, वहाँ पर जो है हिमालय बहुत ही लाभकारी होता है। अब जैसे ठंडा के दिनों में हिमालय ही है जो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक करके हमको कड़ाके की ठंड से बचाता है। अगर हिमालय पहाड़ नहीं रहता उत्तर में भारत के, तो भारत जो है बहुत ठंडे प्रदेश में गिना जाता। तो यही हिमालय पहाड़ जो है वह ठंडे के दिनों में उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक करके हम लोगों को ठंडा से बचाता है। ठंड तो रहती ही है हम लोगों को जाड़े के दिनों में, लेकिन यह बहुत ज़्यादा तक बचाता है हम लोगों को। दूसरा इसका माउंटेन का है फायदा कि हमारे देश में वर्षा जो होती है वह इसी हिमालय पहाड़ के कारण ही होती है। जब मानसून आती है मानसून हवा, तो हिमालय पहाड़ में टकरा करके फिर वापस आने के समय में भारी वर्षा कराती है हमारे देश में। अगर यह नहीं होता तो मानसून आती सीधे चली जाती उत्तर की ओर, हमारे देश में वर्षा नहीं होती। और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का लगभग 70% जो जनसंख्या है कृषि पर आधारित है, और उसमें जो है ज़्यादातर किसान वर्षा पर आधारित है। वर्षा का समय देखते रहते हैं कि कब वर्षा होगी तो फसल होगी। तो हिमालय जो है वर्षा कराने में भी बहुत फायदेमंद होता है। उससे अगला है आपका लाभ हिमालय पहाड़ का कि हिमालय पहाड़ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। जितनी भी नदियाँ लगभग हैं हिमालय पहाड़ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं,
इसमें से गंगा जो है प्रमुख नदी है, जो हम आप लोग उसको गंगा माता के नाम से जानते हैं, पवित्र नदी है। इसके अलावा हिमालय पहाड़ का जो क्षेत्र है बहुत दूर तक फैला हुआ, उसमें खनिज संपदा का अपार भंडार है, इसके बारे में हम लोग आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से हिमालय पहाड़ जो है उत्तर का हिमालय पहाड़ या नॉर्दर्न माउंटेन कह लीजिए उसको, उत्तर के पहाड़ के नाम से हिमालय को ही जाना जाता है। तो इसमें जो है बहुत सारी सुविधाएं हम लोगों को देता है हिमालय पहाड़, बहुत सारा फायदा देता है। तो यही जो हिमालय पहाड़ है यह उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के उत्तर में जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है, इसका क्षेत्र बहुत दूर तक फैला हुआ है, जिसमें हम लोग अब आगे हैं। नॉर्दर्न माउंटेन्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस। अब जैसे देश को बांटा जाता है स्टेट में, उसी तरह से आप लोग यहाँ माउंटेन जो है हिमालय पहाड़ उसको भी तीन समानांतर श्रेणियों में बांटा गया, पर्वत श्रेणी में। अब कौन कौन सी तीनों पर्वत श्रेणी है, तो सबसे पहला है आपका द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, द ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय कहिए या उसका दूसरा नाम है हिमाद्री, जिसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। दूसरा है आपका द मिडल हिमालयाज और इसका दूसरा नाम है हिमाचल, मतलब मध्य हिमालय। तीसरा पढ़ना है हम लोग द आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय, इसका नाम है शिवालिक श्रेणी। तो हिमाद्री का समानांतर श्रेणी आपका, दूसरा हुआ हिमाचल और तीसरा शिवालिक, इसके बारे में अभी हम लोग जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। तो यही जो तीन है माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन का रेंज, पैरेलल रेंज, समानांतर श्रेणी, अब इसी के बारे में इस चैप्टर में आप लोगों को पूरा पढ़ना है कि किस श्रेणी में कौन कौन से पहाड़ है, कौन कौन सी नदी है या क्या सब है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब इसी में हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन में जो तीन पैरेलल रेंज के बारे में है, तो उसमें सबसे पहला जो पैरेलल रेंज है समानांतर श्रेणी द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह जो समानांतर श्रेणी है हिमालय पहाड़ का हिमाद्री, यह पूरे साल जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है, पूरे साल थ्रू आउट द ईयर पूरे वर्ष जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है और यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। हिमाद्री जो जगह है पूरे साल, और यहाँ पर जो है बहुत सारी नदियाँ भी है जो निकलती है यहाँ, जिसमें से गंगा, यमुना, इंदूज और ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ जो है जो हिमाद्री से ही निकलती है। आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे कि गंगा जो है हमारे देश की सबसे पवित्र नदी है और सबसे लंबी नदी भी हमारे देश की गंगा है। वैसे कहीं कहीं ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र भी दिया रहता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र चाइना से होकर के गुजरती है हमारे देश में, और गंगा जो है नदी यह हमारे देश से ही निकलती है। तो इसीलिए जब हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो कभी कभी गंगा और ब्रह्मपुत्र में से कोई एक दिया रहता है, अगर गंगा दिया रहे तो गंगा हुआ हमारे देश की सबसे लंबी नदी, और ब्रह्मपुत्र दिया रहता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भारत का जब ही रहे तो गंगा ही होता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का जो कुछ भाग जो है चाइना से होकर के निकल जाता है तो वह भारत में आने के बाद छोटा हो जाता है। तो ये सारी नदियाँ जो है वह हिमाद्री समानांतर श्रेणी में ही पाई जाती है। इसके अलावा हम लोग जो जितने भी ऊंची चोटी के बारे में पढ़े हैं
जो भारत की ऊंची चोटी हो चाहे विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो, वह भी जो है हिमाद्री पर्वत श्रेणी में ही पाई जाती है। जैसे देखिए कंचनजंगा, इसकी ऊंचाई 8586 मीटर, 8586 मीटर, ये जो है हाईएस्ट पीक इन द इंडिया या भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन कभी कभी रहता है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर होती है, जो कि हमारे देश भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वह भी जो है आपको द ग्रेटर हिमालय हिमाद्री पर्वत श्रेणी में ही पाई जाती है, समानांतर श्रेणी। अगला है आपका माउंट एवरेस्ट, आप लोग जानते ही हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व में जितनी भी चोटी है उसमें माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, और यह भी जो है आपको हिमालय के हिमाद्री समानांतर श्रेणी में ही पाई जाती है, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर होती है, 8848 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वह भी जो है हिमाद्री में ही पाई जाती है। इसके अलावा हिमाद्री समानांतर श्रेणी में बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती है, जिसमें मॉस हुआ, वाइल्ड फ्लावर हुआ, मतलब जंगली फूल सब इत्यादि, क्योंकि यहाँ सालों भर जो है बर्फ रहता है ढका हुआ पूरे क्षेत्र को, इसलिए यहाँ पर जो है कहीं कहीं जंगली फूल निकलते हैं, मॉस निकलते हैं इत्यादि। आगे है जानवर, यहाँ पर बहुत सारे जानवर भी पाए जाते हैं, अब उन जानवरों में कौन कौन सा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं अभी पढ़े हैं कि हिमाद्री जो है पूरे साल बर्फ से ढकी हुई रहती है, तो यहाँ पर जाट, स्नो लियोपर्ड, गोट, सिप, ये सारे जानवर जो है पाए जाते हैं, जो ये सारे जानवर ठंडे प्रदेश में पाए जाने लगते हैं, याक हुआ, स्नो लियोपर्ड हुआ, गोट हुआ, सिप, इसके अलावा और सारे बहुत सारे जानवर हैं जो कि हमारे ग्रेटर हिमालय हिमाद्री समानांतर श्रेणी में पाए जाते हैं। तो इसी तरह से आगे हम लोग फिर अगला पढ़ेंगे नवीन हिमालय और हिमाचल, जो कि अगले वीडियो में दूसरे दिन बताया जाएगा। तो आज जो भी बताया गया आप लोगों को इसको ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है, समझना है, और यहाँ पर जो बताया गया देखिए कंचनजंगा उसका हाइट दिया हुआ है आपका, और माउंट एवरेस्ट इसका भी हाइट, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि यार कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है, जब आप लोग मैट्रिक इंटर के बाद जाइएगा कंपटीशन बैठिएगा तब, और पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिए आप लोग, जो भी बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं पूरा वीडियो देखिए तभी आप कुछ समझ सकते हैं, और इसमें जो दो और श्रेणी समानांतर श्रेणी बची हुई है आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा अगले दिन, और जो जो मेन पॉइंट आपको नजर लगता है जो मेन पॉइंट है उसको चिन्हित करके नोटबुक पर उतार करके याद करना है, और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।